संभालिए अपने आप को, आइए अंदर चलिए। नहीं जतिन। देखिए हमारी बेटी हिमानी के लिए अंदर चलिए। नहीं जतिन, मैं नहीं जा सकता अंदर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, नहीं जा सकता। भूषण मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी हिमानी से बहुत प्यार करते थे, मैंने खुद कभी उसे देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार देखा है मैंने। हम अमेरिका से यहाँ हिंदुस्तान उसकी बरसी मनाने आए हैं। मेरी बच्ची, अरे बंद करो ये, अरे बंद करो ये। तो कौन है भाई, गॉड कितना शोर मचा रखा है। अरे बंद करो ये बैंड बाजा, ये इसे बंद करो यार। ये कैसे? भूषण तुमने तो कहा था कि वो एक साल पहले मर चुकी थी, तो ये लड़की जिंदा कैसे हो गई? अरे म्यूजिक किस गधे ने बंद कर दिया? किसका बाप, कैसा बाप, हाँ क्या नाटक लगा के रखा? ये हो क्या रहा यहां पे? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, समझी जतिन? ये कौन लड़की है? मेरी हिमानी एक साल पहले मर चुकी है और उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी। हिमानी, हिमानी भाई साहब, बच्चा मेरी बेटी हिमानी, कुछ कुछ बोल हिमानी, हिमानी क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कुछ तो बोल। मगरमच्छ? मुझे मगरमच्छ कैसे खा सकता है? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ पापा। पापा मैं ही आपकी हिमानी हूँ। आप ये कौन है? ये तुम्हारे पापा की सेकंड, आई मीन तुम्हारी दूसरी मम्मी है, सेलिना, अमेरिका से आई हैं। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है आंटी जी? फोटो में भी मैं हूँ और आपके सामने भी मैं हूँ हिमानी। धनिया। हाँ जी 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 साहब। धनिया, तुमने इस लड़की को यहाँ घुसने कैसे दिया? साहब माफ करना, पर मैं क्या करती, इन्होंने कहा कि इस घर की छोटी मालकिन है, और साहब इन्हें तो उस घर के बारे में सब कुछ पता था, तो मैंने सोचा। धनिया चुप, एकदम चुप, झूठ बोल रही है तू, और तुम बंद करो अपना ये नाटक, दफा यहाँ से। हमारे हिमानी की बरसी है कल, ये सब देख रही हो? हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो मैम साहब, ये फूल आपकी बरसी के लिए हैं। अरे होगी तुम्हारी बरसी, चुप दोस्तों, बरसी हो गई मेरी। हिमानी बड़ी ही अजीब फैमिली है तुम्हारी, तुम जिंदा हो और ये लोग तुम्हारी बरसी मना रहे हैं। ओह शट अप एंड गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ सब के सब, सब अभी के अभी निकलो यहाँ से, तुरंत आउट। पापा जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो इस घर से सब के सब। भूषण लिसन, एक बार इसकी बात तो सुन लो, ये क्या बोलना चाह। अरे सलीना तुम कुछ नहीं जानती, ये लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। बस पापा स्टॉप इट नाउ, मुझे तो लगा था कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, पर आप तो मुझे घर से फिकवाने की बात कर रहे हैं। इनफ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ओके? ये मेरा घर है। और आप शांत हो जाइए, मैं इसे अपनी भाषा में समझाता हूँ।
बता बता कि तू कौन है, नहीं तो यहीं पर तुझे मार दूंगा। भूषण तुम्हारा साला पागल हो गया, रोको उसे। मान देते हैं तू, याद है आपको बचपन में मुझे सुई लगवाने आप ही लेके जाते थे, और एक बार मुझे बहुत दर्द हुआ था, आपने मुझे काका की दुकान से रस मलाई खिलाई थी, याद है? अभी भी मारेंगे मुझे? ये सब बातें तुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं ही हिमानी हूँ। बस अब कौन क्या है ये तो कल सुबह ही मैं बताऊंगा। भूषण, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। क्या ये लड़की सच में हिमानी ही है? आई मीन, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने उसका अंतिम संस्कार करीब कुछ एक साल पहले कर लिया था, तो फिर वही लड़की जिंदा कैसे हो गई? आई जस्ट फील टू अंडरस्टैंड। अरे झूठ बोल रही है वो, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। कोई कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगा, मैं हिमानी हूं आपकी बेटी। हिमानी मर चुकी है सेलिना, और यही सच है। बस एक बार पता चल जाए, एक बार पता चल जाए कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है, तो मैं खुद इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। So, Bhushan, are you just trying to... बिल्कुल सच कह रहा है। समझो, ये लड़की हमारी बिटिया हिमानी नहीं हो सकती। देखा देखा, इन्हें भी पूरा यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ भाभी, ये साबित भी हो जाएगा और कल सुबह सच सबके सामने भी आ जाएगा। पापा ठीक है भाई साहब, हम लोग चलते हैं। पापा क्या हुआ? पापा मैं ही आपकी बेटी हूँ, हिमानी, आपकी मिंटी। अच्छा तुम मेरी बेटी हो? हाँ। अच्छा तो एक बात बता, तुम्हारी माँ जब मुझ पर गुस्सा होती थी तो मुझे क्या कहकर बुलाती थी, बोलो ना। नहीं नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, हे मानी। अरे बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ओहो पापा, आप यकीन क्यों नहीं करते मैं ही हिमानी हूँ? अब अपनी बेटी से आप कितना सबूत मांगोगे मुझे नहीं पता। एनीवेज मुझे सोने जाना है, आई एम वेरी स्लीपी, आप भी जल्दी सो जाइए। हाँ गुड नाइट। भूषण मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। आज एक लड़की मुझ पर हंसकर गई है, मजाक बना दिया है उसने मेरा, और ये मजाक किसी को बहुत भारी पड़ सकता है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। वो हिमानी नहीं है। ठीक है मैं आ रहा हूं। रोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। आप लोग जरा पीछे पीछे आइए।
सीआईडी से हम लोग। सीआईडी किसने कॉल किया था? सर मैंने कॉल किया था। सर देखिए ना वहां क्या हुआ। लाश पूरी तरह से जल चुकी है गाड़ी की तरह। सबसे पहले किसने देखा था ये? सर मैं जब यहाँ से निकल रहा था तब मैंने इस कार को देखा था। इस कार में बहुत तेजी से धुआं निकल रहा था। और हाँ सर मैंने देखा एक आदमी कार में बुरी तरह से चला हुआ था। मैंने देखते ही तुरंत आपको फोन किया। वैसे जब तुम लोगों ने किसी को इस गाड़ी के आसपास देखा था? नहीं सर किसी को भी नहीं। बस ऐसा लगता है पहले किसी ने अंदर किसी को लिटाया और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई ताकि सारे के सारे सबूत मिटाए जा सके। मुझे लगता है एक साजिश। कार में आग अपने आप भी तो लग सकती है? लग तो सकती है दया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ की स्थिति देखते हुए कि ये किसी ने साजिश ही की है। देखा बॉस, चलो इसके चेहरे की हड्डियां देखो कितनी बुरी तरह से तोड़ दी गई। हाँ बॉडी तो गाड़ी के अंदर आग में जल सकती है अभिजीत, पर ये हड्डियां किसी चीज से मारने पर ही टूटेगी। बिल्कुल सर, लेकिन इसके चेहरे की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई हैं कि अब चेहरा बनाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, लाश अपनी पहचान बताए या ना बताए गाड़ी की पहचान तो जरूर हो जाएगी। और एक बार गाड़ी की पहचान हो गई तो लाश की पहचान भी हो जाएगी। हाँ दे चलिए सर, गाड़ी ने अपनी पहचान बता दी है। चेसिस नंबर। तो चेहरे को मारकर खूनी ने सिर्फ इसकी पहचान छुपाने की कोशिश की है। मौत तो इसकी गर्दन के टूटने की वजह से ही हुई है। ठीक कह रही हो तारिका, पहचान बिगाड़ी और आग लगाई। ये कार जली नहीं है, जलाई गई। के क्या मिला? बस कार में जो सैंपल्स लिए थे उससे पता लगा कि कार को एक खास किस्म के केमिकल से जलाया गया था। और ये बॉडी, इसके बारे में कुछ पता चला? ये एक औरत की लाश है, गर्दन पर वार करके इसे मारा गया। इसकी पहचान ना हो सके इसलिए इसके चेहरे को भी बिगाड़ा गया था। इसका मतलब है इस औरत को कार के अंदर मार कर लिटा दिया गया और फिर कार को जला दी। या फिर ये औरत कार की मालकिन भी हो सकती है। सर, सर कार का पता चल गया, किसी हिमानी कुमार के नाम पर है। हिमानी कुमार? जी साहब, आप लोग सीआईडी? सीआईडी? ये हिमानी का घर है? जी ये हिमानी मैम साहब का घर है। कौन है धनिया जी? जी हमें एक जली हुई कार में से एक लाश मिली है जो शायद हिमानी कुमार की है। किसने उसका खून कर दिया? और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हिमानी हूँ, आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। तुम हिमानी हो? मेरी कार चली हुई? ओह गॉड, मेरी कार तो सिलीना आंटी लेके गई थी। क्या हुआ हिमानी, क्यों शोर मचा रही हो? अरे कौन आया है? कौन है आप लोग? ये सीआईडी से है। सीआईडी से? आप लोग कौन है? ये मेरे मामा हैं, मामी, चाचा और चाची। आपके घर की एक कार बुरी तरह जली हुई मिली हमें और उसमें एक औरत की लाश थी। हमें लगा कि वो इनकी है, लेकिन ये बता रही थी कि कार में सेलिना थी। सेलिना भाभी? और भूषण भाई साहब का भी कुछ पता नहीं है। भूषण? ये भूषण कौन है? जी वो मेरे पापा हैं। कहीं भूषण भाई साहब किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं। एक मिनट, आपके पापा गए कहाँ थे? सर भूषण भाई साहब ने सेलिना से शादी कर ली थी और सेलिना ने इसकी माँ की जगह ले ली, शायद इसीलिए इसने ये सब किया। चुप रहिए आप प्लीज।
पापा के पैसों के पीछे आप लोग पड़े हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। एक सेकंड सर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो आप बताइए। मतलब ये कि आपके घर के दो लोग रात से गायब हैं और आप लोग शांति से सो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब CID आएगी तब जागेंगे। भूषण और सलीना को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, लेकिन अगर सलीना आंटी को किसी ने मारा है तो कहीं पापा को भी। कब कब देखा था आपने? पापा कल रात करीब 10:30 बजे घर से निकल गए थे और उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गई थी। अचानक से कहां गायब हो गई? और फिर जब मैं वापस लौटी, इमानी बेटा अपनी गाड़ी की चाबी देना। क्या वो आंटी अब कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मुझे भूषण से मिलने बाहर जाना है। इसे कैसे आपके पापा की गाड़ी गायब हो जाएगी और फिर आप सीधे घर चली आए और किसी को कुछ बताया नहीं? हा? इतनी रात को सलीना कार लेके जाती है, घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं। तुम कहाँ थी? साहब मैं तो काम करने वाली हूँ, घर का काम करके मैं तो चली गई थी। मुझे इन सब चीजों में मत फंसाइए। हिमानी, तुमने अपने पापा को आखिरी बार कहाँ देखा था? वो जगह दिखाओ। यहाँ तक मैंने पापा की कार को फॉलो किया था और फिर पता नहीं सर, पापा की कार अचानक कहाँ गायब हो गई। तुमने आगे कुछ नहीं देखा तुम्हें? नहीं सर, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत अंधेरा था। पापा की कार ऐसे अचानक टेढ़ी मेढ़ी होके चलने लगी थी और फिर डिसबैलेंस हो गई। फिर क्या देखा सर? फिर मैंने पापा की कार को उस तरफ जाते हुए देखा, उस रास्ते पर। तुम आगे गई थी या यही दूर से ही देखा? मैं दूर से ही देख रही थी सर। फिर क्या हुआ? सर फिर पहियों की तेज आवाज आई, फिर पापा। और फिर तुम्हारे पापा गायब हो गए अचानक से। तुम यहीं से देखती रही, तुम्हें लगा नहीं कि जाकर देखो पिताजी कहाँ गायब हो गए, और फिर अचानक उनकी गाड़ी भी गायब हो गई। अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके कम से कम ढूंढ तो सकती थी, या कम से कम किसी को मदद के लिए बुला भी तो सकती थी। नहीं, ये चुपचाप घर चली गई और सुबह हमारा इंतजार करने लगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा पापा कहीं चले गए हैं और लौटेंगे तो घर ही लौटेंगे, इसलिए मैं घर चली गई। एक बात बताओ, तुम नीचे के पहली बार आ रही हो? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ। क्यों सर? क्योंकि ये सड़क यहाँ से कहीं नहीं जाती, ये सड़क यहीं पर खत्म हो जाती है। और तुम्हारे पापा गाड़ी लेकर टेडन पर क्यों आएंगे? झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैंने यही देखा था पापा की कार को इसी रास्ते पर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो फिर गई कहाँ तुम्हारे पापा की कार? तो, भैयों के निशान, और ये सड़क से इस तरफ जा रही है। देखो वहां उस तरफ तो झील है, कहीं भूषण की गाड़ी झील के अंदर तो नहीं चली गई।
जीजा जी की कार है। पीछे से घाव किया है, हसिया से। क्या हुआ हिमानी, क्या हुआ तुमको? हिमानी लगता है बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाओ हिमानी को, ले जाओ। हो गया ड्रामा शुरू इस मैडम का। मैडम आपके भूषण भैया की लाश मिली है और आपको रोना तक नहीं आ रहा? मैम आपको नहीं पता कि हमें कितना बड़ा सदमा लगा है। सर मैं तो कहता हूँ भूषण भाई साहब का खून हिमानी ने किया है और सेलिना का खून भी इसी ने किया है। सर हमें तो सेलिना भाभी की मौत के बाद ही बोल देना चाहिए था। क्या बोल देना चाहिए था? यही सर कि हिमानी मेरे भाई साहब की बेटी नहीं है। क्या भूषण की बेटी नहीं है? क्या मतलब? मतलब सर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। हिमानी की जेरोक्स कॉपी है ये। सर भूषण भाई साहब और हम तो इस फार्म हाउस में हिमानी की बरसी मनाने के लिए आए थे। हिमानी की बरसी मनाने? सर हिमानी की मौत तो एक साल पहले ही हो चुकी है। जब हम उसकी बरसी मनाने के लिए यहाँ पर आए तो हमें फार्म हाउस पर ये लड़की मिली। इसकी सूरत हिमानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन ये लड़की हिमानी नहीं है सर। खुद को भाई साहब की बेटी बताती है। एक साल पहले मरी हुई लड़की वापस कैसे आ सकती है? सर इसी तालाब में डूबकर उसकी मौत हुई थी। मगरमच्छ ने उसकी बॉडी को बुरी तरीके से चबा डाला था सर। सर आप ही बताइए, जिस लड़की को हमने अपनी आंखों के सामने चिता में जलाया हो और वही लड़की बोल रही कि मैं हिमानी हूँ, कैसे मान ले ये सब हम चीज? अभिजीत समझ में नहीं आता कौन सच कह रहा है कौन झूठ। सबके सब रो पड़े हैं, सबके सब झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये हिमानी डुप्लीकेट है तो जैसे ये ठीक होती है ना दया, इसे उठा और ब्यूरो लेकर आओ। भाग गई? कैसे भाग गई हिमानी जब तुम दोनों उसके साथ में थे तो? सर वो मुझे कॉल करना था इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था। और आपको भी कॉल आया था? नहीं सर, मैं तो वो हिमानी के लिए बाहर पानी लेने गई और जब आई तो देखी ना उसने मेरा ये हाल कर दिया। सर मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन देखिए ना मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया। हिमानी ने ये सब किया हॉस्पिटल में भागने से पहले? और चक्कर क्या है, ऐसे क्यों भाग गई? जिस तरह से हिमानी भागी है ऐसा लगता है इन दोनों खून में उसका हाथ है। अभिजीत अगर सच में ये हिमानी है तो फिर वो अपने बाप को क्यों मारेगी? ठीक है आप दोनों घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ इस हिमानी से सावधान रहिएगा और कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिए। ठीक है सर। प्लीज चल। सर एक बात तो साफ है, ये खून हिमानी ने किया। सिर्फ हिमानी नहीं पूर्वी, और भी लोग शामिल है इस साजिश में। या भी गए ना मामा मामी और हिमानी चुप बैठे थे। भूषण और सेलिना रात भर गायब थे तब है? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे सुबह तक? लेकिन सर हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? दो दो लाशें मिल चुकी है लेकिन अभी तक एक भी सुराग हाथ नहीं लगा है। सुराग तो मिला है फ्रेडी, भूषण को पीछे हसे से मारा गया है और भूषण गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसका मतलब कोई तो था गाड़ी के अंदर जिसने पीछे से उस पर हमला किया। सर मतलब हिमानी ने जब भूषण की कार को देखा था तब वो आदमी उस कार में मौजूद था? और सर ये सेलिना भी बहुत जल्दी में निकली थी हिमानी की कार लेकर। क्या इस सेलिना को किसी ने बुलाया होगा? क्या पता लगाते हैं सेलिना के फोन रिकॉर्ड चेक करते, पता चल जाएगा किसने फोन किया था क्या उसे। और जिस वक्त ये हिमानी भूषण की गाड़ी का चेस कर रही थी ना, पता लगाना पड़ेगा भूषण और हिमानी के अलावा और किसका फोन उस वक्त उस एरिया में एक्टिव था क्या। प्राइवेट नंबर, रात के 10:30 बजे प्राइवेट नंबर से कॉल आता है भूषण को। पूरी एक काम करो पता लगाओ ये कहां से फोन आया था, पूरी कुंडली निकालो इस प्राइवेट नंबर की, पता चल जाएगा। ये देखिए सर, रात 1 बजे भूषण के फोन से सेलिना को कॉल किया गया है। तो
क्या भूषण ने बुलाया था सेलिना को अपने पास? हाँ बॉस, भूषण ने मरने के बाद सेलिना को फोन करके बुला लिया पार्टी के लिए। तू गया था पार्टी में? ये मजाक चल रहा है यहाँ पर था उनके? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बॉस, आप खुद सोचो, सीरियसली सोचो। भूषण की मौत हो गई रात को 11:30 बजे फेफड़ों में पानी भरने और हुक के वार की वजह से। तो 1 बजे उसने कैसे फोन करके बुला लिया सेलिना? तो किसी और ने भूषण के फोन से सेलिना को फोन करके बुलाया। तो सर पता करते हैं कि इस भूषण का फोन और ये प्राइवेट नंबर रात को 1 बजे एग्जैक्टली कहां पर था। दोनों की लोकेशन एक ही जगह पे है। सर, सर ये जो तीसरा नंबर है वो भूषण के फार्म हाउस से ही उसके साथ था। मतलब सर भूषण के फार्म हाउस से कोई उसकी गाड़ी में बैठा था? है कौन ये प्राइवेट नंबर वाला? देखिए मुझे चोट लगी, आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपको सब बातें सच सच बता चुकी हूँ, हिमानी को मैंने नहीं भगाया। मालूम है हमें तुमने हिमानी को नहीं भगाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते कि तुम्हारा फोन खून के रात भूषण के साथ कहाँ घूमने गया था। मेरा फोन? जी आपका फोन, प्राइवेट नंबर, रात 10:40 से भूषण और हिमानी के साथ घूम रहा था। कल आपके पास भी था वो प्राइवेट नंबर, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर मेरा नंबर प्राइवेट नहीं है, और रात के 10:30 बजे मैं सोने जा चुकी थी सर, उस वक्त मेरा फोन मेरे पास ही था। सर झूठ बोलने की आदत है क्या तुम्हारी? ये लीजिए, ये है मेरा फोन, आप चाहे तो सब चीजें चेक कर सकते हैं। सर मेरे नाम से ये एक ही नंबर है, पर हो सकता है किसी और ने मेरे नाम से कोई नया नंबर ले लिया। अच्छा, तुम्हारे नाम पर किसी ने दूसरा नंबर ले लिया, कौन ले सकता है, है? सर होगा तो कोई घर वाला ही, तभी तो फार्म हाउस से भूषण की कार में साथ में था वो नंबर। सर ये जरूर उस हिमानी ने किया होगा, वो एक एक करके हम सबको मार देगी। सर प्लीज आप उसे पकड़ लीजिए। सर अगर वो असली हिमानी नहीं भी है तो फिर वो एक के बाद एक खून किए क्यों जा रही है, है? वो तो आराम से बैठकर पूरी प्रॉपर्टी एंजॉय करेगी। वो छोड़ो, अब तुम हमें हिमानी तक पहुंचाओ। पर सर, सर मैं आपको हिमानी तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? जैसा हम कहें वैसा करना, और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। अब देखते हैं ये हिमानी असली है या नकली। मुझे पता चल गया है कि ये हमारी हिमानी नहीं है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इसे क्या हो गया अचानक? पता नहीं, बाहर से आई और सीधा अपना बोरे बिस्तर समेटने लगी। अरे शालिनी तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कुछ पता चला है क्या? शालिनी कम से कम जतिन के आने तक तो रुक जाओ। नहीं, मुझे जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के निकलना होगा ताकि मैं हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेच सकूं। अरे लेकिन तुम्हें कुछ पता चला है क्या, हमें भी तो बताओ। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, और प्लीज तुम भी जतिन को कुछ मत बताना, मुझे बस हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है और इस नकली हिमानी का भांटा फोड़ना है। मैं कैब बुक कर लेती हूँ, एक सेकेंड। साहब जी। हाँ? मैं बाहर जाऊँ सब्जियां लेने के लिए? ठीक है जाओ। जतिन तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, अरे काम खत्म करके आराम से आ जाना, मैं ठीक हूँ। ओके। ये लाइट को क्या हो गया? तनुज और मोनिका भी नहीं आए, कहाँ रह गए वो? जा रही है मामी जी? हिमानी तुम? हाँ मैं, जायदाद मेरी, पैसा मेरा, और इसे बेचने जा रही हो तुम? वो सब प्रॉपर्टी हिमानी की है और तुम हिमानी नहीं हो। मैं ही हिमानी हूँ समझी? सीआईडी, सीआईडी आप? हिमानी तुम ही, ये बात तो हमें भी पता थी,
तुम्हारी नौकरानी धनिया को हमने पकड़ लिया है, इसलिए बेहतर होगा हिमानी अब तुम सच बोल दो। हाँ, मैं ही हिमानी। एक साल पहले ना मुझे किसी मगरमच्छ ने खाया और ना ही जो लाश चलाई थी वो मेरी थी। मैं तो यहाँ वापस बस अपना इंसाफ लेने आई थी। मेरे साथ जो गलत हुआ उसे सबके सामने लेके आना चाहती थी। तो भूषण और सेलिना को मारकर तुम इंसाफ कर रही थी? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा। तो फिर एक साल बाद क्यों लौटी तुम? क्योंकि मुझे वापस लाने में उसने मेरी मदद की थी। उसने? किसने? सर वो मेरा शुभचिंतक है, मेरे लिए अच्छा सोचता है, पर मैं आज तक उसे नहीं मिली। तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी थी? क्योंकि सर उसने मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके बोला था कि मेरी जान को खतरा है। शुभचिंतक। सर हम सब लोगों को इस तालाब के किनारे बुलाने की कोई खास वजह? सर खूनी तो मिल गया ना आपको, पकड़ तो लिया इस नकली हिमानी को, आप क्यों बुलाया हमें? सच ये है कि एक साल पहले जिस लाश को उस मगरमच्छ ने खाया था वो इस हिमानी की नहीं थी। ना तो उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया गया था और ना ही पहचान करवाई गई थी। चलो जतिन अब तुम बताओ, क्या तुम्हें क्या लगता है ये असली हिमानी है या नकली? सर आप जानते हैं ना इसी ने सबका खून किया है। इस नकली हिमानी ने मेरी शालिनी को भी मारने की कोशिश की। सर ये असली हिमानी हो ही नहीं सकती। तो लगता है वक्त आ गया है इस असली नकली हिमानी की चेहरे से नकाब उतारने का। हिमानी ने हमें एक खास बात बताई थी, एक खास बात जिसकी हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी की। अब उसे मगरमच्छ ने खाया था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो एक साल से हॉस्पिटल में थी, कोमा में। पिछले दो महीने से वो कोमा से बाहर निकल आई है। क्या सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भले आदमी ने उसकी जान बचाई, उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। अब जब हिमानी कोमा से बाहर निकली तो पहला फोन उसने किसे किया पता है? अपने पिताजी को, भूषण जी को। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि फोन अननोन नंबर से आया था। और आप लोगों में से कोई एक है जो ये सारी बातें जानता था? कोमा से बाहर आने के बाद हिमानी ने सभी रिश्तेदारों को कॉल किया। उनमें से एक रिश्तेदार ने हॉस्पिटल में कॉल बैक किया था। उसने लैंडलाइन पर हॉस्पिटल के फोन जरूर किया लेकिन अपनी पहचान छुपाई। उस रिश्तेदार ने हिमानी को बताया कि उसके मौत की प्लानिंग खुद उसके पिता ने की है। उसने हिमानी को इंसाफ दिलाने और भूषण को सबके सामने बेनकाब करने को भी कहा। हाँ, ये सच है। पापा ने जो मेरे साथ किया उसे सामने लाने के लिए मैं वापस आई थी, लेकिन मैं पापा की जान नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा वो आदमी मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने तो मुझे ही फंसा दिया। मानी कौन है वो? कुछ बोलते क्यों नहीं मामा जी? हाँ, आप तो बहुत सहायता करते हैं आप सबकी। जतिन मामा, आप मेरे शुभचिंतक बने थे। पापा और सेलिना मॉम को मारने का तो कोई प्लान ही नहीं था। इसका मतलब आपने अपने प्लान के लिए मेरा इस्तेमाल किया। एक साल पहले न जाने किसकी लाश को लेके आकर आपने मेरे पापा को बताया कि ये मेरी लाश है। ये सब आपने अपने फायदे के लिए किया। तो क्या गलत किया मैंने? अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो समझ जाती कि मैं कौन हूं। यहीं पर तुम्हें डुबा कर मारने का वादा किया था मैंने तुम्हारे बाप से, लेकिन अफसोस कि तुम बच गई। भूषण ने हिमानी की माँ से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। हिमानी की माँ के मरने के बाद सारा पैसा हिमानी के पास आ गया था।
भूषण हिमानी को मारना चाहता था, इसलिए मैंने भूषण और शालिनी ने मिलकर प्लानिंग की। हमने इसे डुबाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बच गई। तुमने भूषण जी को जाकर किसी की लाश बता दी और उनसे कह दिया कि ये हिमानी की लाश है, मगरमच्छ ने खा लिया था उसे, है ना? जी, लेकिन भूषण ने उसके बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, सारे पैसे पर खुद ऐश करने लगा। एक साल बाद मुझे दोबारा हिमानी का कॉल आया और मुझे दोबारा मौका मिल गया। उसके बाद मैंने अपनी भांजी को अपनी प्लानिंग के हिसाब से नचाना शुरू कर दिया और मैंने प्लानिंग की कि पहले भूषण को मारूंगा, फिर सेलिना को मारूंगा और उसके बाद इस हिमानी को मारूंगा। लेकिन बीच में CID आ गई। हिमानी को तो हमने बचा लिया, लेकिन जतिन और शालिनी जी, आपको फांसी के बंदे से कौन बचा सकता है? कोई नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.